लग रहा है एहसान साहब, सोलो एग्जीबिशन आपका हुआ, कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया था और कई सारे गुलबर्गा के दिग्गज हस्तियों ने इस प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज से एग्जैक्टली एक साल पहले तक मैं जो काम करता हूँ मैंने किसी को नहीं बताया था। तो आज अगर एक दो दिन जाएंगे तो एक साल होगा जो पहली मरतबा मैंने किसी को बताया था, क्योंकि मैं जब काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, उससे पहले मैंने कोई पेंटिंग नहीं थी की थी ना कुछ काम किया था। तो एक साल हो रहा है और अगर मुझे आज थोड़ा भी अगर 50% 20% भी अगर रिस्पांस मिलता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास हारने के लिए कुछ नहीं है, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम इट। लेकिन अगर मेरा पैशन पूरा हो रहा है, अगर लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अभी नेक्स्ट वीक बैंगलोर में शो है, उसके बाद एक गोवा में शो है, उसके बाद श्रीनगर का है, उसके बाद बॉम्बे का प्रोग्राम है। तो यहाँ से मतलब ये एक सबसे पहले गुलबर्गा अपना लोकल है और अपना कॉलेज जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से एक प्रीव्यू शो की तरह इसको हमने कंडक्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे इसका रिस्पॉन्स फादर के साथ आपने स्टेज शेयर किया है, कैसा लग रहा है? ये तो पहली मरतबा हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने कोशिश की थी कि फादर को अपने साथ अपने स्टेज शेयर करने के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जना अगर मैंने उर्दू कहीं से सीखी है तो मेरे फादर से सीखी है, क्योंकि हम उर्दू की हमारे रीजन में इतनी ख़राब हालत है कि अगर आप 100 किलोमीटर की रेंज में जाएंगे तो आपको कोई क्वालिफाइड कैलीग्राफर नहीं मिलेगा जिससे हम कोई सीख सकते हैं। तो मेरे फादर जब सऊदी से आए थे तो मतलब उनके साथ मेरे को वक्त बिताने का मौका मिला, तो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। अभी उनका जो लिखने का स्टाइल था वो नस्तालिक था, मैंने नस्तालिक को थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अगर मेरी कैलीग्राफी को अगर देखेंगे तो कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसके अंदर मिक्स मीडिया है, एग्जैक्टली कोई वन एक तरह की कैलीग्राफी नहीं है। पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर माँ बाप मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ रहे हैं तो आर्ट्स को वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो क्या आर्ट खत्म हो जाएगा? पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आर्ट को तो अब कितना भी दबाव खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो ना मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्चुअली हमको ऑड रास्ते से जाके जो ना मतलब लोगों को परफेक्ट करना है, बच्चों को, क्योंकि जो ना इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी ये बहुत हो गई है। अगर बच्चों को अगर अपना पैशन फॉलो करने के लिए आउट ऑफ दी बॉक्स कुछ जाना पड़े तो जाने के लिए उनको परमिशन देना पड़ेगा, क्योंकि जो ना मैं हमेशा कहता हूँ कोई पूछता है तो स्पेशली तारे ज़मीन पे और थ्री इडियट के बाद पेरेंट्स और बीच का जो फासला था बहुत कम हो गया है। तो पेरेंट्स बच्चों की बात समझ रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स की बात समझ रहे हैं, अगर ये दोनों कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलेंगे तो जो फासला हमेशा से था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और बच्चों को अपना पैशन फॉलो करने का टाइम भी मिलेगा और वक्त भी मिलेगा। मैं सभी चीफ गेस्ट का, स्पेशली डॉक्टर दिलनाज मुजीब का, डॉक्टर प्रोफेसर अंदानी का, मेरे डैड का और प्रभाकर जोशी जो आ नहीं सके, और अयाजुद्दीन पटेल साहब का, और मेरे सीनियर्स जिसने मुझे मदद की है जाके, जैसे कि अयाजुद्दीन पटेल हैं, डॉक्टर रहमान पटेल हैं, शाहिद पाशा हैं, हाजी मलंग हैं, नीला सर हैं, और जो ना हमारे राजशेखर सर हैं, प्रकाश गढ़कर सर हैं, जालीहर सर हैं, मशालकर सर हैं, मैं संतोष राठौड़ हैं, और जो ना मतलब मल्लिकार्जुन कटके हैं। तो ये लोग ने मुझे हेल्प की मतलब एज ए इंडिविजुअल बाहर आने की, क्योंकि जो ना मैं अपने एक अंदर बॉक्स में बंद था, खुद ही काम करता था, मैं कभी बाहर नहीं निकला था। तो मैं इन सबका आभारी हूँ और स्पेशली मैं गुलबर्गा मिरर और तमाम मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि जो ना मतलब मेरे एक कॉल पे या फिर उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो ना मतलब शो चल रहा है और सब चले आए, ये मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इसका जितना शुक्रिया अदा करें कम है, मैं सबको इंडिविजुअली थैंक यू बोलता हूँ।